या तो पिटाई की गई या बेइज्जत किया गया या रूम में बंद करके रखा गया। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए एक खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत वर्ष को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ करके पुनः आजाद कराने का संकल्प लिया है। इसका हम लोग कांग्रेस वर्कर विरोध कर ही रहे हैं, पूरी जनता भी कुछ दिनों विरोध करेगी, उनको सत्ता से उखाड़ के फेंकेगी। लगातार ईडी जिस तरीके से राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, इसके विरोध में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज पटना में राजभवन में ज्ञापन सौंपने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंचे थे और तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम जो नेता हैं वो यहां पे पहुंचे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के मदन मोहन झा, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आज यहाँ पर आप लोग पहुँचे थे, क्या मतलब? आज हम लोग महामहिम जी के यहाँ प्रदर्शन है और हम लोग उनको मेमोरेंडम देंगे महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से, जो उन तक पहुंचाएंगे। आज जो देश की जो स्थिति है, हमारे नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी के साथ जो वार्तालाप हो रहा है और अन्य लोग हमारे जो बड़े नेता हैं जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बैठे हैं, उनके साथ सामूहिक रूप से या तो पिटाई की गई या बेइज्जत किया गया या रूम में बंद करके रखा गया। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए एक खतरा उत्पन्न हो गया है और हमने जो आज़ादी इतनी कुर्बानी के बाद पाई है, पुनः हम लोग गुलामी की जंजीर में फंसने जा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं जो फिर एक बार जिस तरह से हम लोग महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, पुनः भारत वर्ष को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ करके पुनः आज़ाद कराने का संकल्प लिया है। लगातार पूछताछ हो रही है, तो ये क्या पूछताछ हो रही है? नहीं, ये तो हम नहीं ना बता सकते हैं, ये तो अंदर की बात है। अब ईडी वाले क्या पूछ रहे हैं कि टॉर्चर कर रहे हैं, हम लोग को डिमोरलाइज कर रहे हैं। विरोधी दल के जितने भी नेता हैं उनको भी डिमोरलाइज किया जा रहा है। आज राष्ट्रपति का चुनाव है, हमारे विरोधी दल के नेता सभी मिलकर विपक्ष में लड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये धमकी है, ये लड़िएगा तो आपके साथ वही व्यवहार करेंगे जो राहुल गांधी जी के साथ कर रहे हैं। तो हम समझते हैं ये डराने धमकाने की जो सिलसिला है वो लोकतंत्र के लिए घातक स्टेप है। चलिए, अजीत शर्मा जी किस तरीके से ये लड़ाई लड़ेंगे और कब तक चलेगी? इधर आ जाइए। ये लड़ाई नहीं है, ये तो जो गलत काम कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग हैं कांग्रेस वाले। अभी तो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं, कुछ दिनों में आप देखेंगे जनता है। नोटबंदी इतना बड़ा घोटाला था तो क्यों नहीं उसका ईडी जाँच करा रहे हैं? वो कराना तो पता चलेगा इससे बड़ा क्राइम कुछ नहीं है। और ये केस तो खत्म हो चुका था, जानबूझ के उनको डर लग गया 2024 का कि सत्ता से उखाड़ फेंकेगी कांग्रेस, इसलिए जानबूझ के हमारे नेता को परेशान कर रहे हैं। इसका हम लोग कांग्रेस वर्कर विरोध कर ही रहे हैं, पूरी जनता भी कुछ दिनों में विरोध करेगी, उनको सत्ता से उखाड़ के फेंकेगी। दबाव किसका है आगे? दबाव तो क्या, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ये कर रहे हैं, ईडी को, आईटी को, सबको, सीबीआई को अपने कब्जे में कर लिया। ये कभी लोकतंत्र में नहीं होता है, लोकतंत्र की हत्या हम लोग नहीं होने देंगे। सभी कांग्रेस पार्टी और जनता मिलकर इसका विरोध करेंगे और उनको 2024 से गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। चलिए, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो राजभवन पहुंचे हैं आज ज्ञापन सौंपने के लिए राज्यपाल से मिलकर, और लगातार अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रही है। लगातार जिस तरीके से ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, इस मामले को लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहा है। निषेध ठाकुर, डीटीवी भारत, पटना।